आज सुबह सुबह मुझे एयरबीएनबी चेंज करना पड़ा। एक तो भाई यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, चाबी कहीं और से लेते, एयरबीएनबी कहीं और होता है। मैंने ऊबर पे 4 स्टॉप डाले आज। सबसे पहले अपना एयरबीएनबी, वहाँ से चाबी उठाई, शॉप पर दी, फिर दूसरी शॉप पे गया, वहाँ से नई एयरबीएनबी की चाबी ली, फिर नई एयरबीएनबी गया। मैं सूटकेस लेके एली में बैठा हुआ, चाबी नहीं चल रही, पुराने गेट है भाई, फंस गया आज मैं। ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो गया था, इसने बचा लिया मेरे को वापस। अगेन सेव्ड माई एस। यार तू बंद कर दे सिगरेट पीना, LSD वगैरह। By the way, I don't condone drugs at all. I am not bro. I am literally sober all my life. I have literally been sober. But एक बार मुझे किसी ने ब्राउनी खिला दी थी, जिसके बाद मुझे 3-4 घंटे तक चक्कर आ रहे थे। Bro, I think वो normal brownies ही थी. I think वो मेरा वहम था। हाँ, placebo effect. हम आ गए लू, अबाउट टू सी मोनालिसा फाइनली। इसमें कितने 35,000 पीसेस हैं। अभी स्टेशन पे इतनी मूर्तियां लगा रखी हैं भाई। फाइनली जो मैंने हैरड्स में ली थी रेकोवेल्स की टी, सबसे सस्ता पीस था ये वहाँ पे भाई। इस टी का है ना कोई साइज भी नहीं है, ये 1 साइज है। चाहे तुम कितने ही बड़े हो कितने भी छोटे हो, तुम्हें यही पहननी पड़ेगी। और ठंड भी हो रही है, सो मैंने अंदर एक और टी शर्ट पहन ली है, सो आई डोंट फ्रीज। तुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? और इंग्लिश में यूके का फ्लैग क्यों लगा हुआ है? क्योंकि they invented it, I think. हाँ, but like उनकी तो कौन ही बोलता है? म्यूजियम प्लस एग्जीबिशन प्लस नहीं, सिर्फ म्यूजियम ही लेना। हाँ। अबे रुक, I think we have to go talk to them, क्योंकि मुझे फ्री में करना है ना। नहीं यहाँ पे भी तेरा फ्री है, हो सकता है। कौन सी दुनिया में आ गया मैं भाई? वो तो क्या दीवार है। हमारा वाला हीरा नहीं है ये। नहीं, हमारा वाला लंदन में भाई। मैं ब्रिटिश म्यूजियम नहीं गया ना अभी तक। आप स्लाइड मार सकते हैं भाई। मैं ऐसा बच्चा आता ना यहाँ पे, मजे आ जाते। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई फील लाइक दिस इज द गॉड फादर ऑफ ऑल म्यूजियम्स। फाइनली पहुंच गए। एक तो इतने टिडीज ब्लर करने होंगे ना एडिट में, वो टिडीज भाई। आई डोंट नो इतनी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं, बता रहा हूँ भाई। थाने स्टेशन में वैन गो की पेंटिंग लगी हुई है। डोंट डिसरिस्पेक्ट। मिल गई भाई। क्लाउड देख रहे हो तुम इसका? इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और सब फिर भी वहीं जा रहे हो। इतनी छोटी पेंटिंग। देखो हिस्ट्री पता है इसकी? हाँ, 1800 में नेपोलियन ने अपने मास्टर बेडरूम में टांगा था। अबे इसलिए तो फेमस हुई थी। 1800 में नेपोलियन ने अपने मास्टर बेडरूम में टांगा था। 1804 में ये लूट में आई थी और 1911 में चोरी हो गई थी। उसके बाद फेमस हो गई थी। ले ली भाई, अब क्या लाइन में लगना। Made by a famous man, went to another famous man's bedroom, and now no one knows why she's famous. That's literally Kim Kardashian. म्यूजियम में मजा आ गया। That was a different world. मुझे ब्रिटिश म्यूजियम में जाना चाहिए था यार। I have bought this crap. सिर्फ 4 यूरो का था बस। यार क्या हो रहा है भाई ये? इधर इस तरफ उल्टा इधर उल्टा। Bro, this is practically dosa. अच्छा है, but like noodles से तो अच्छा भी अच्छा होता है। या भाई फ्रांस का ना यही है। कल भी जो हमने डिनर करा था ना, इतना बढ़िया नहीं था। फ्रांस का ना पूरा मील मेरे को अभी तक अच्छा नहीं मिला, लेकिन स्नैक्स बढ़िया है। क्रोसॉन लव इट, क्रैब लव इट, फ्रेंच टोस्ट तो मेरा ही बेस्ट होता है। तो भाई यार यहाँ की है ना धूप अलग है क्या। मैं जब भी है ना यूके इंग्लैंड यूरोप के फोटोज देखता था ना मैं सोचता था इनकी इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे है। भाई यहाँ की धूप अलग है सही में। इंडिया में ऐसे फोटोज कैसे नहीं आते हैं। हमेशा देखता था लंदन के जितने भी धूप वाले फोटोज आते हैं ना और लॉस एंजलिस के, ऐसे इंडिया में नहीं आते। भाई हम है ना पीछे नहीं है, इनके पास है ना बस अच्छी लाइटिंग है। अभी रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं एंड हम एक जगह जाने का सोच रहे हैं। नो इट्स नॉट आईफिल टावर। ये एक ऐसी जगह है जो कि इफ यू हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर लाइक ओवर अ ईयर तभी तुम्हें पता होगा। इस जगह का नाम है आला फोली एंड मैं इसकी पिक्स देख रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट से एवरीवन इज फ्री ऑफ क्लोज। सब नंगे है भाई फोटोज में। ये है इसका कवर, तुम्हें पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं वरना मैं एडिट में डाल दूंगा। भाई कवर पे लैंड है। हम कोई अंडरग्राउंड लीगल, दिस इज वेरी लीगल बात है। हाँ भाई इंटरनेट पे है तो लीगल ही है ऑब्वियसली। ओनली थिंग इज कि हो सकता है कि मैं ज्यादा फिल्म ना कर पाऊँ बिकॉज कैमराज अलाउड नहीं होंगे वहाँ पे, बिकॉज एविडेंस होता, आई मीन पार्टीज में कैमराज अलाउड नहीं होते भाई। भाई इतनी ठंड हो रही है ना। ओह मैंने 5 कपड़े पहन रखे हैं। That's 5 more than the dress code of this party. भाई कितने प्यार से बोल रहे ईट योर एस। भाई पेरिस में ना जितनी बढ़िया जगह है ना इसको ये पार्टी बहुत पसंद आ रही है, वो सब मैं लेके गया हूँ। और ये पेरिस में ना 1 साल से रह रही है। साले तू गया नहीं जहाँ पे मैंने तुझे जाने को बोलता तू गया नहीं बेटा। इट्स वे मोर लिट अप देन दिस। पार्टी कैसी है? पार्टी कहीं माचू मुझे अभी पता चला मैं अपना पासपोर्ट भूल चुका हूँ। I have lost my fucking passport. भाई मैं घर कैसे जाऊँगा? Bro that's the only fucking document that I need. I don't know भाई मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, क्यों हंस रहा हूँ, अंदर से I am dead. Literally भाई सही में पासपोर्ट नहीं मिल रहा है मेरा। सारी ट्रेवल हिस्ट्री वो है उसमें मेरी। हो ची मिन, वियतनाम, उस दोनों एक ही है सॉरी। हो ची मिन, हांगकॉन्ग, इंग्लैंड, लंदन, मदरचोद। The hardest visa to get, bro. Schengen visa उसमें मैं कहाँ से जाऊँगा घर? Yes sir. भाई ऐस की तय हो चुकी है, मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका है। I am very calm for someone जिसका probably most important document गुम गया। मुझे अभी तक नहीं पता कहाँ घूमा, कैसे घूमा। Now mostly मैं अपने पासपोर्ट को अपने बैग की एक बहुत स्पेसिफिक पॉकेट में रखता हूँ जो कि है ये वाली। अब बताने का कोई फायदा नहीं, अब तो जा चुका है। एंड भाई मैं लिटरली इस पॉकेट से कभी नहीं निकालता पासपोर्ट, सिर्फ इमिग्रेशन के टाइम। सो द ओनली टाइम जब ये पासपोर्ट मेरे बैग से बाहर था वो था जब मैं पेरिस पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पे मेट्रो में जब मेरा पासपोर्ट मेरी पॉकेट में था। सो मुझे लग रहा है मेट्रो में किसी ने मेरे जेब से मार लिया। बस मुझे ये नहीं पता कि व्हाई वुड एनीवन स्टील माय पासपोर्ट। पासपोर्ट चुराने का रीजन क्या है? यू कांट इवन सेल इट और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट। मैंने गूगल करा एंड भाई पासपोर्ट से बहुत चीजें कर सकते हैं, सम ऑफ व्हिच आर क्वाइट स्कैरी। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं एंड मैं सुबह पुलिस स्टेशन गया। सो यूजुअली जब पासपोर्ट गुम हो जाता है तुम्हें एक लॉस्ट पासपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होती है। फिर उस पुलिस रिपोर्ट को लेकर मुझे इंडियन एम्बेसी जाना होगा टू गेट एन इमरजेंसी सर्टिफिकेट जिससे मैं वापस घर लौट सकूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज आज संडे है और एम्बेसी बंद है, परसों हॉलीडे तो परसों ही बंद है। सो मेरे पास लिटरली कल का टाइम है टू गेट एन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। मतलब अगर मुझे कल हाथ के हाथ इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मुझे अपनी फ्लाइट जो परसों है वो एक्सटेंड करानी पड़ेगी। ब्रो आई नो आई सीम नॉर्मल राइट नाउ बट मैं लिटरली मजाक से कोप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कल इतना बुरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है एंड अगर मुझे इमरजेंसी पासपोर्ट मिल भी गया, मैं सेफली घर पहुंच भी गया, भाई मेरी सारी ट्रेवल हिस्ट्री तो गई। मेरे पासपोर्ट पर यूके, हांगकॉन्ग, वियतनाम, यूएई इनके स्टैम्प्स लगे हुए थे बट नहीं भाई गया सब वो। ऑल्सो एक तो किस्मत इतने मजे ले रही है ना मेरे। मैं इतने दिनों से इंटरनेट के लिए तरस रहा था, उससे हॉटस्पॉट मांगे जा रहा था बार बार। आज फाइनली जब मैंने पैसे खर्च करके एक नई सिम ली, एयरबीएनबी होस्ट बोलती है कि हमारे घर पे एक वाईफाई हॉटस्पॉट पड़ा है, आप इसको पेरिस में कहीं भी लेके जा सकते हो। बट ठीक है भाई, मैं कल से लिटरली सिर्फ अपने पासपोर्ट के बारे में सोच रहा हूँ। आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे रोने धोने से पासपोर्ट वापस नहीं आने वाला। सो भाई इससे अच्छा मैं अपने पेरिस के लास्ट मोमेंट्स में घूम ही लूँ थोड़ा। मेरा मेरा पासपोर्ट अभी भी नहीं मिला है। आई एम स्टिल स्केयर्ड एज फक। मुझे यहाँ पे बसना पड़ सकता है। हम जा रहे हैं पैलेस ऑफ वर्साई, अपेरेंटली द मोस्ट स्टिम्युलेटिंग प्लेस ऑन दिस प्लेनेट। ये जगह पेरिस के बाहर है, सो वी आर टेकिंग एन RER मेट्रो से अलग है। मेट्रो सिर्फ पेरिस के अंदर चलती है, वेरस RER सबर्ब्स तक जाती है। वर्साई है पेरिस से 1.5 घंटा दूर। तो 11 बज रहे हैं, हमको पहुंचने तक ही 12:30 बज जाएंगे। होपफुली हमको एंट्री मिल जाए बिकॉज वी आर वेरी लेट। डबल डेकर ट्रेन, व्हाट द फक भाई, ये बिल्कुल जयपुर दिल्ली डबल डेकर की तरह है। अभी तो सीजन भी नहीं चल रहा। इसके 5,000 दिए मैंने, 5,500 वर्साई के। Probably the most important place in France. This brought down the French monarch. ये देख के ही जाना, वरना मैं ना हॉस्पिटल में लेटा रहूंगा। मैंने वर्साई नहीं देखा। DHHY D23 भाई, इस पे 219 लाइक्स है। मेरे को पता भी नहीं है कौन सी मीट एंड ग्रीट है इसका। अपेरेंटली मैं आ रहा हूँ और अपने सब्सक्राइबर से मिलने वाला हूँ। मैं आज तक हैदराबाद नहीं गया, मेरा कोई हैदराबाद जाने का भी प्लान नहीं है। ये कैसे डाल दी? हाउ इज दिस अलाउड? हाउ इज दिस लीगल? लिसन, आई विल कम टू दिस कन्वेंशन, आई विल कम टू हैदराबाद। यू हैव टू स्लाइड इन अ चेक दो, यू हैव टू स्लाइड इन अ चेक। 50 भाई तुम पैसे दो, मैं इस कन्वेंशन में नंगा आ जाऊंगा, बट ऐसे नहीं आऊंगा फ्री में। वर्साई पे कोई पुलिस की एक्टिविटी चल रही है, उन्होंने एंट्री बंद कर रखी है, which is why हम यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं। भाई हम 1.5 घंटा ट्रैवल करके आए हैं, खाली हाथ जाना हो सकता है। बोल तो रहे कि वो रिफंड दे देंगे अगर एंट्री नहीं मिली, बट स्टिल भाई फाइनली खुल गया। भाई कितनी देर वेट कराया अपन, ऑलमोस्ट 2 घंटा वेट कराया इसके लिए। भाई वी आर इन द ऑफ सीजन एंड ये है भाई लाइन, यहाँ से चल रही है, पीछे से जा रही है, वहाँ से घूम के वहाँ अंदर तक जा रही है। What the fuck? भाई यहाँ पे कोई भी दीवार 1 सेंटीमीटर प्लेन नहीं है, हर दीवार भरी हुई है, कुछ ना कुछ आर्ट्स है। How is this fucking real? भाई किसने बनाई भाई इतने ऊपर इतनी सुंदर पेंटिंग? उसने बोला यहाँ से घूम के जाना वहां तक, बोला ऐसे 1-2 किलोमीटर लगेंगे। मैंने आज वापस स्कल्पचर्स देखे। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई प्रेफर पेंटिंग्स ओवर स्कल्पचर्स। आई फील लाइक स्कल्पचर्स की ना एक हिस्ट्री होती है एंड यू कांट चेंज दैट, इट्स अ फैक्ट। वेयर एज आर्ट को तुम है ना अपने खुद के वे में इंटरप्रेट कर सकते हो। थैंक यू। इसने बता दो लिया, अगर ये गिर गया तो मर जाएगी। आउट ऑफ द बोट क्या बोल रहा है? ऊपर ले जाना तो चाहिए। What are you doing, sir? I am so pissed. That was a complete fail. भाई स्कैम है, कोई नहीं चला रहा था उसको, बोल रहे हमें नहीं करनी, धक्का दे जा रहा है भाई, लात मार रहा है हमको पानी में। कोई भी नहीं कर रहा था बाय द वे हमारे अलावा, तो इसका मतलब कोई नहीं कर सकता। मैंने भोपाल में करी थी भाई, वहाँ पे तो हो रही थी। ये कोई स्कैम है। पेडल वाली बोट चाहिए यहाँ पे, पेडल वाली बोट में मजे आते हैं। इतना टाइट क्यों होता है? Literally the most फेमस थिंग इन पेरिस। भाई मैंने ना लंदन वाले ब्लॉग में कहा था कि मैं ना टूरिस्टी थिंग्स जाना पसंद नहीं करता, एंड नाउ आई हैव कम टू द मोस्ट फेमस टूरिस्टी थिंग इन द वर्ल्ड। I mean, है तो ये ग्लोरिफाइड मोबाइल टावर ही, स्टील का ही तो बना हुआ है। हम जा रहे हैं द रेस्टोरेंट विद द बेस्ट आईफिल टावर व्यू एंड ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके सिर्फ एक ड्रिंक ऑर्डर करें, मॉकटेल फॉर मी, कॉकटेल फॉर हर, बट देयर इज अ थिंग कि यहाँ पे सेट मेन्यू होता है, तो हो सकता है कि वो हमको फोर्स करे एपेटाइजर, मेन और डेजर्ट में से एक एक चीज लेने को। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना भाई, 10, 20, 30 हजार भी रख सकते हैं, मैं भाग जाऊंगा। इस रेस्टोरेंट का कैंसिलेशन फी 30,000 था, अगर तुमने ये रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया ना, उसका कैंसिलेशन चार्ज ही 30,000 है। मतलब ये तुम्हारे कार्ड से 30,000 रुपए काट लेंगे अगर तुम नहीं आए या कैंसिल कर दी एंड मोमेंट पे। आई एम नॉट पेइंग 30,000 ब्रो। I feel like Eiffel Tower is the top, I am the bottom. I am literally looking in her anus. भाई एकदम गांड के नीचे हूँ मैं। भाई पेरिस जेनुअनली इतना खूबसूरत, इट्स सो वियर्ड। तुम गलियां देखोगे यहाँ पे कूड़ा, कचरा, बेयरली क्लीनलीनेस, कुछ गलियों में पेशाब की स्मेल आती है एंड देन यू सी आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, रिवर एंड ये सब मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स लाइक भाई आंखें पिघल जाती है। हम वर्साई गए थे और हमने 20% एक्सप्लोर करा होगा एंड उसमें हमारे 20,000 स्टेप्स हो गए। टू थिंक दैट कोई बंदा उसमें एक्चुअली रहता था पैलेस में इज लाइक माइंड बॉगलिंग। भाई आप जस्ट रियलाइज ऐसी प्लेसेस ही होती है घूमने लायक, बिकॉज इफ द प्लेस इज टू परफेक्ट वहाँ किसी को नहीं जाना। भाई चंडीगढ़ को ही देख लो, एकदम साफ जगह, नो ट्रैफिक, क्लेनलीनेस, ग्रीनरी। किसने बोला है आज तक मुझे मरने से पहले चंडीगढ़ जाना है? आना सबको दिल्ली मुंबई है, लोकल में पसीने में टहलना है। यही होती है भाई, इम्परफेक्शंस मेक द प्लेस परफेक्ट। लेकिन मैं बुर्ज खलीफा गया हूँ, वो इससे बहुत लंबी है और उसमें नहीं आता भाई ये वाइब, कॉन्क्रीट लगता है वो सिर्फ। हिस्ट्री की बात है ना भाई। यहाँ पे फूड कोर्ट है। अरे ब्रो अपन ने रेस्टोरेंट का क्यों बुक करा, यहीं पे खा लेते। आई थॉट फॉर द एक्सपीरियंस। 30,000 रुपए नहीं लगेंगे, हम ब्रिटिश। अबे ये क्या है, ये तो स्कैम हो गया। मुझे लगा था रूफटॉप है, तो आउटडोर सीटिंग ही नहीं है। और यहाँ पे तो सारे बुड्ढे बुड्ढी हैं। मैंने बोला नहीं यहाँ बस अमीर लोग आते हैं। भाई दिख ही नहीं रहा, ये तो इससे अच्छा तो बाहर पेल लेते हैं अपन आइसक्रीम। मैं एपेटाइजर से ज़्यादा नहीं लेने वाला, और अगर फोर्स कराना इन्होंने मैं भाग जाऊँगा। उसने बोला मिनिमम 5 कोर्स का मेन्यू है। आई सेड क्या मैं सिर्फ एपेटाइजर ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बट मैं पैसे 5 के देने पड़ेंगे। और कितने पैसे बता? मैंने हाका साल में खाया था ना मुंबई में, लेडजस से उसका डबल। भाई देख तो अच्छा रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ऑफ इट। अरे इससे बढ़िया तो तेरी वाले थे जो तूने खिलाई थी, मिल्क ब्रेड। वो 1 यूरो की होती है और उसमें 12 आते हैं। भाई ये है क्या, ये तो भुजिया लग रही है। भाई तो खा रहा, तेरे पता भी है। मुझे फिश बिल्कुल पसंद नहीं है सामान के। भाई बाहर चलते हैं। भाई मेरा ना 2.5 यूरो का ये दही सही है, आज के बाद कभी नहीं जाऊँ मैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। ठीक है भाई, मतलब जब पूरा रेस्टोरेंट व्यू के दम पर ही चल रहा है तो अच्छा खाना बनाने का ऑब्वियसली क्या ही इंसेंटिव होगा। भाई अब तक का जो सबसे बढ़िया खाना मैंने पेरिस में खाया है, दैट इज स्टिल अम्मा जान की स्ट्रॉबेरीज। नथिंग हैज टॉप्ड दैट। एनीवेज मुझे ऐसे रात के 11-12 बजे सड़क पे दही नहीं पेलना चाहिए। सो आई थिंक आई एम गोना हेड बैक होम। सी यू।